सो हेलो डियर्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइज, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं वुडलैंड की तरफ से आने वाली लाइट वेट स्नीकर्स के बारे में। आप इस कंपनी को बतौर एक भारी भरकम शूज़ के रूप में जानते होंगे, लेकिन इसमें वो शूज़ हम अनबॉक्स नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो पहनने में थोड़े ऑकवर्ड लगते हैं। इसलिए हमने मंगाए हैं लाइट वेट एक स्नीकर्स टाइप के, जो कि हर आउटफिट के ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको शूज़ कैसे लगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अनबॉक्स। बॉक्स जिसमें कि शूज़ हमें रिसीव हुए हैं, ये वुडलैंड की तरफ से आने वाला टिपिकल बॉक्स है। इस बॉक्स का वेट शूज़ से भी कई गुना ज़्यादा है। इस बॉक्स की बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। इसकी प्राइस देखते हैं, ये मैंने 41 साइज़ का मंगवाया है। इसकी प्राइस 3595 लिख रखी है, जितना कि मैंने इसकी पे नहीं किया है। मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा इसका मैंने कितना पे किया है। तो अभी देखते हैं शूज़ को अंदर से कि कैसे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं बॉक्स ओपनिंग। सो गाइस, बॉक्स काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का दिया गया है। शूज़ निकालते हैं, शूज़ के ऊपर यहाँ पे पेपर रैप मिलता है। शूज़ को निकालने के लिए पेपर रैप हटाते हैं और देखते हैं शूज़ कैसे हैं। शूज़ मैंने कैमल कलर का ऑर्डर किया था, जो कि बहुत ही प्रीमियम लग रहा है ये कैमल कलर इस शूज़ के ऊपर। इसकी आप करीब से आप इसकी स्टिचिंग देखिए, स्टिचिंग इसकी बहुत ही सुंदर दी गई है, जो कि इस जेनोन लेदर के ऊपर बहुत निखर के आई है। आप इसकी शूज़ को करीब से देखिए, शूज़ की सॉल काफ़ी रबराइज दी गई है, इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी प्रोवाइड हो जाएगी इस शूज़ की। काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किया गया है। इसका पैडिंग हटा के देखते हैं, इसके अंदर पूरा पैडिंग स्वेड लेदर का दिया गया है, जो कि आपके पैर को अच्छा खासा कम्फर्ट देने वाला है। इसमें पीछे को भी स्वेड लेदर मिलता है। इसमें नायलॉन का कैमल कलर का लेजेज मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी है दिखने में, काफ़ी प्रीमियम लगती है। इसमें पीछे को लेदर का ही हुक मिलता है, जिससे आप इसे पेयर कर सकते हो। पीछे को दो डिज़ाइन दी गई है। इसका आप बहुत ही सॉफ्ट कलर का ये मटेरियल दिया गया है, इसमें आप देख सकते हो इसे। साइड में इसके वुडलैंड की बैजिंग मिल जाएगी, जो पीछे को सॉल पर भी वुडलैंड का मार्क मिल जाएगा आपको। यहाँ पे एक स्टिकर दिया गया है जो कि लेदर का है, इस पर WDL का मार्क लिखा हुआ है, जो कि वुडलैंड की मार्किंग है। पीछे को इसमें कुछ जैन वंटी वाले नंबर मिल जाएंगे, जो कि इसके सीरियल नंबर होते हैं वुडलैंड के। इसमें पूरे के अंदर फॉर्मिंग पैड दिया गया है, जिससे आपका पैर काफ़ी कंफर्ट रहेगा। इसमें पूरा अंदर तक स्वेड लेदर का यूज़ किया गया है, जिससे पसीने और आपके पैर को कंफर्ट देने में काफ़ी हेल्प देगा ये शूज़। इस शूज़ का सोल और मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट रखा गया है, जिसकी वजह से आपको पहनने में इसे इश्यू ना हो। ये भले ही जेन्युइन लेदर हो, लेकिन इसे पहनने में आपको एक बहुत अच्छा फील होगा। ये दूसरे शूज़ को देखते हैं गाइस। यहाँ पे दूसरे शूज़ में ये जो होल्डिंग दी गई है, ये काफ़ी अच्छी मेंटेन रखती है इसके शेप को। ये पूरा शूज़ में काफ़ी अच्छी पैडिंग दी गई है। ये साइड का जो पैडिंग दिया गया है, इसमें फॉर्मिंग पैड है, ये आपके पैर को बहुत अच्छा कंफर्ट देने वाला है। पीछे की ग्रिप काफ़ी अच्छी मिलती है, जिससे ये शूज़ स्लिपी नहीं होगा। नायलॉन के कैमल कलर के लेस मिलते हैं, जो कि इसके साथ काफ़ी अच्छे मज़े हो रहे हैं। अब बिल देखते हैं, बिल मैंने कितने का मंगवाया है। तो ये मैंने मंगवाया था 2258 रुपये का, जो कि ऑफ़र में मिला है। अगर आप इसे बार बार चेक करते रहेंगे तो ये इससे भी सस्ता मिलता है।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए।